अभी मैं खड़ा हूँ छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के साजापुर गांव के बीरहनपुर गांव में, जहां पर घटना घटी थी और एक युवक की मौत हो गई थी। मौत के बाद की जो स्थिति है वो कल भयानक थी, लेकिन आज की जो दिन भर की स्थिति है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज फिर दो लाशें मिली थी और दो लाशों मिलने के बाद में उनके अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद की जो स्थिति है मैं वो आपको बता देना चाहता हूँ कि चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस तैनात है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो बल है वो भारी संख्या में है और लगभग 800 से 1000 की संख्या में है। गांव की जनसंख्या की बात करें अपन तो गांव में भी लगभग 1000 की जनसंख्या है और 1000 की जनसंख्या में लगभग 1000 की पुलिस यहां पर तैनात की गई है। हालांकि दो लोगों की शव बरामद हुआ था, शव बरामद होने के बाद पूरी तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया है। अंतिम संस्कार करने के बाद जो गांव की स्थिति अभी रात की स्थिति है वो स्थिति तनावपूर्वक बना हुआ है। अभी हमारे साथ में जिले के जो SP है वो हमारे साथ में है, हम उनसे जानेंगे कि आखिर में आज जो दिन भर की क्या स्थिति थी और किस प्रकार का माहौल रहा है। सर, आज की जो घटनाक्रम है उससे हम आपसे जानना चाहेंगे। आज सुबह दो लोगों की शव बरामद हुआ है कोरवाई गांव के पास, उसके बाद उनकी पहचान हुई है जो बीरनपुर के रहने वाले हैं। उनकी अंतिम संस्कार आज शाम को शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। अभी फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है, लेकिन पुलिस डिप्लॉयमेंट लगातार रहेगा जब तक नॉर्मलसी नहीं आएगी। और मीडिया के द्वारा हम अपील करना चाहते हैं कि कई जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में 6 लोगों की मौत के बारे में खबर चल रही है जो कि पूर्णतः निराधार है। गांव में सत्यापन किया गया है, सिर्फ 2 व्यक्तियों की यहाँ पर मृत्यु हुई है, बाकी लोगों के बारे में कहीं भी कोई भी सूचना नहीं है। बीरनपुर में जितने परिवार हैं सभी से सत्यापन किया गया है, लापता होने की खबर भी नहीं है। कृपया इस तरह की अफवाह ना फैलाएं और बहुत ही जिम्मेदारी से अपने आचरण रखें, इस ये हमारा अपील है। ऐसा जानकारी हमारे पास आ